अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बाय आसमा। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम चाहने वाले सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत को अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई एक नहायत ही लजीज रेसिपी, भरवा करेले की रेसिपी। बहुत कम लोगों ने ये रेसिपी देखी होगी और खाई होगी। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैंने करेले ले लिए थे आधा किलो और जिन्हें मैंने छील के उन्हें काट के रख दिया था, लेकिन एक करेले को बचा के रख लिया था और आपके सामने इसकी कटिंग करूंगी। इसको ज्यादा भी हमने नहीं छीलना, बिल्कुल हल्का हल्का से इसके हमने छीलना ऊपर से। अब इसे सेंटर से हम काट लेंगे। सेंटर से काट के एक हिस्से में दोबारा से इसका स्लाइस निकाल लेंगे। इस तरह देखिए, बिल्कुल बारीक से हमने स्लाइस निकालना है और जो अंदर बीज है, चाहे कच्चे बीज है या पके हुए बीज है, लेकिन हमने इनको सबको निकाल देना है। ये देखिये, बिल्कुल ईजी तरीके से ये बिल्कुल बीज निकल जाएंगे। अब इसकी एक और इसकी कटिंग कर लेंगे, इसके स्लाइस एक और बना लेंगे। अब ये है जो बच गया, इसे भी हम निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी जाया करने की जरूरत नहीं। आप वैसे भी हम इसको सेव करके रख लेंगे, किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह मैं तमाम करेले की कटिंग कर लूंगी, जो इसके अंदर बीज हैं वो निकाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से लगते हैं, ये देखने में इतने अच्छे लगते हैं जब हम इसे बनाएंगे तो नहायत ही लजीज बन के ये रेडी भी हो। जिस तरह ये देखने में अच्छे लग रहे हैं और जब ये बिल्कुल रेडी होंगे तो बन के भी बहुत ज्यादा लजीज रेडी होंगे। तमाम करेलों को हम इसी तरह काट के लैदा करके रख लेंगे। पहले मैंने करेलों को धो लिया था, फिर मैंने इन्हें आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था कि ये ड्राई हो जाए। कोई नमक नहीं था लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। इसी तरह भी बड़े अच्छे से करेले बन जाएंगे। अब स्टेप टू की तरफ जाते हैं, जिसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया था आधा किलो। मैंने चिकन बोनलेस लेके उसे ड्राई करके उसे उसका कीमा बना लिया था। आप भी इस तरह कर सकते हैं। अगर आपके चॉपर नहीं है तो आप हाथ के साथ भी इसे बारीक बारीक कर सकते हैं छुरी के साथ, क्योंकि चिकन बिल्कुल चिकन का कीमा तो इजिली घर से छुरी के साथ भी हो जाता है। अब इसमें जो स्पाइसिस एड करने हैं उसके लिए मैंने लिए थे 2 अदद प्याज, उसको भी मैंने चॉप करके उसका पानी निकाल लिया था। सब्ज मिर्चे चॉप कर ली थी 1 टेबल स्पून, वो ले लेंगे। अब जो स्पाइसिस डालने हैं वो मैं आपको बता देती। जीरा पाउडर लेंगे, लाल मिर्चे लेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, सूखा धनिया लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून और नमक लेंगे 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम एक चॉपर लेंगे, उसमें मैंने जो प्याज चॉप किया था, पहले मैंने प्याज चॉप कर लिया था, फिर मैंने इसे अच्छी तरह निचोड़ लिया था, वो डाल देंगे। सब्ज मिर्चे डाल देंगे, कीमा जो मैंने आधा किलो पहले से बना लिया था वो डाल देंगे। अगर आपने कीमा पहले नहीं, आप बोनलेस चिकन लेके स्टेप वैसे वो क्यूब्स भी उसके डाल सकते हैं। जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया और नमक डाल देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तमाम चीजों को अच्छी तरह हम 1 से 2 मिनट चॉप कर लेंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा या बेसन भी डाल सकते हैं, जो आपके पास घर में मौजूद है आप उस वही इस्तेमाल कर सकते हैं, वही डाल सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था 4 टेबल स्पून भर के। ये देखे माशाल्लाह की हमारी इसकी फिलिंग रेडी है। अब हम करेले लेंगे जो हमने काट के रखे थे, एक एक उसके स्लाइस पकड़ेंगे और उसमें फिलिंग भर देंगे। इस तरह देखिए कितनी अच्छी से इजी से तरीके से फिलिंग इसकी हम भर लेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दोनों साइडों से हल्के से हाथ के साथ अच्छी तरह हम बराबर की कर लेंगे इसको। इसी तरह हम तमाम करेले भर लेंगे चिकन के साथ। वैसे हम करेले बनाते हैं, उसे छीलते हैं, उसको नमक लगा के रख और ड्राई करो, निचोड़ो, फिर उसमें भरो, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और ये बिल्कुल इजी तरीके से हम ये रेसिपी बनाएंगे और जब ये रेसिपी बनेगी तो आप तो तमाम रेसिपीज बाकी भूल जाएंगे। दूसरी साइड पे मैंने फ्राई पैन लिया था, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला था। ये बहुत कम ऑयल में रेसिपी बनती है, बिल्कुल भी आप देखिएगा इसमें ज्यादा ऑयल नहीं यूज आता। वैसे हम अगर करेले बनाएं, भरवा करेले बनाएं, उसे फ्राई करते हैं, वैसे बहुत ज्यादा ऑयल का या घी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस रेसिपी में बहुत कम घी का या ऑयल का इस्तेमाल होगा। आपके सामने मैंने आधा कप ऑयल लिया था, उसे मैंने गर्म कर लिया था, करेले रख दिए थे, इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब एक साइड से कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है और लो फ्लेम पे ही हम करेंगे, क्योंकि जो कीमा है वो कच्चा है। दोनों साइडों से जब एक जैसा कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए आप इस तरह फ्राई करके भी इसे खा सकते हैं रोटी के साथ, क्योंकि ये इस तरह भी बहुत मजेदार बन के रेडी होता है।
वही ऑयल जो बच गया था वो हम दूसरे बर्तन में मैंने डाल लिया था। अब इसमें प्याज डालेंगे, मैंने 2 अदद प्याज लिया था, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था और वो डाल देंगे। प्याज डालकर हम हल्का सा सोते करेंगे, इसका हमने ब्राउन कलर नहीं करना प्याज का, बिल्कुल इसका कच्चापन बस दूर करें। दूसरी साइड पे मैंने 1 पाव दही लिया था जिसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया डालेंगे 2 टीस्पून भर के, क्योंकि करेले गर्म होते हैं, सूखा धनिया हम इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक तो इसके साथ इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए, ब्राउन करेंगे लाइट सा, जिसे कहते हैं ना सुनहरा सा, लाइट सा इसका कलर आना चाहिए, ज्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। सब्ज मिर्चें मैंने बारीक भी चॉप कर ली थी वो डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के। टमाटर ले लिए थे 3 अदर, उसे मैंने पेस्ट बना ली थी उसकी, आप इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। प्याज के साथ हम टमाटर को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर जो हमने बैटर बनाया था, हमने जो स्पाइसेस दही में डाले थे वो ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट तक हम अच्छी तरह इसका कच्चापन खत्म कर देंगे, इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी पक के रेडी हो गई है। जब इसे ज़्यादा इसका पानी भी हमने ड्राई नहीं करना, फिर जो हमने करेले फ्राई किए हैं तो सारे वो डाल देंगे, अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह हम कितनी अच्छी लुक आई है, कितनी अच्छे ये लग रहे हैं और बन के भी बहुत मज़ेदार रेडी हुए थे। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप अगर इस तरह बना के अपने मेहमानों को भी सर्व करेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और वो ज़रूर इस तरह की चीज़ें तो वैसे देखने में भी जो अच्छी लगती हैं वो ना भी इंसान को भूख हो तो इंसान भर के रोटी खा लेता है। 3 से 4 मिनट हम करेलों को कवर करके कुक कर लेंगे। 3 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतार लिया था, सब्ज धनिया का बारीक काट के वो डाल देंगे और करेलों को डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार से भरवा करेले हमारे बन के रेडी हैं, झटपट ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है, बिल्कुल भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप खुद भी बनाएंगे, दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला मेरे तमाम सुनने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप भी अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अब दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं, नीचे प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस आ रही हैं, आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो और बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं।